अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन जलफ्रेज़ी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। ये आप देख सकते हैं, चिकन मैंने 1 किलो ले लिया है। ये हमने शिमला मिर्च ली है, हाफ शिमला मिर्च ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है मैंने, 2 टमाटर ले लिए हैं, ऑयल ले लिया है 1 बाउल, और ये टमाटो की थोड़ी सी प्यूरे हमने बना ली है, टमाटो का पेस्ट बनाया है, ठीक है, टमाटर को ग्राइंड करके। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, केचप, सोया सॉस और विनीगर, साथ में ब्लैक पेपर, सूखा धनिया पाउडर। अब ये सारी चीज़ें ऐड करते करते मैं आपको सब कुछ बाकी स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने करना है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। जब ये लहसुन अदरक का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चिकन डाल के फ्राई करेंगे। साथ ही अब चिकन ऐड करते हैं, इसको हमने फ्राई करना है। चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच ही हमने ऐड करना है धनिया पाउडर। ये अलग से भून के इसको तवे पे अलग से ग्राइंड किया हुआ है, ये वो वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ऐड करते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून लिया हमने, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करते हैं, साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं और प्याज भी, सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट, जो हमने टमाटर को ग्राइंड करके बनाया है। अब 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे, सिरका। चलें मिक्स करते हैं इसको। अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे केचप। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए। अच्छा, ये मैंने फेंट के 2 अंडे ले लिए थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के इसको हल्का सा तवे पे फ्राई कर लिया है, हल्की आंच पे। अब ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ये मैंने इसके स्लाइसिस कट कर लिए थे अंडे के, ये ऐड कर देंगे। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है ये, बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिएगा, साथ में कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की लग रही है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।